हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार एस्पायर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की सितंबर 2022 के मंथ में हुई रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपने फिलिप्स कंपनी का फेमस स्लोगन इनोवेशन एंड यू ये तो सुना ही होगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि टाटा मोटर्स इसी स्लोगन पे काम कर रहा है और अपने प्रोडक्ट पर जो भी पॉसिबल इनोवेशंस है वो करते जा रहा है। इसी का रिजल्ट उन्हें सितंबर 2022 के सेल्स में मिला है, जहां पर टाटा मोटर्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुई है। इसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाटा नेक्सॉन, इसकी 14,000 प्लस यूनिट सेल हुई है। उसके बाद आती है टाटा मोटर्स की टाटा पंच, जिसकी कि 12,000 प्लस यूनिट सेल्स हुई है। फिर इनकी टाटा टियागो, जो कि अभी नेक्स्ट ईयर से ईवी में भी आने वाली है, इसकी लगभग सेल हुई है 7,000 यूनिट। तो फ्रेंड्स, इतना सेल्स होने के बाद अब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार को लगभग समझ लिया है और जो हम इंडियंस की ज़रूरतों को है अब पूरी तरीके से टाटा जान चुका है। फ्रेंड्स, इसमें और एडिशनल हम बात करेंगे, टाटा मोटर्स ईवी मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। इसका टाटा नेक्सॉन ईवी, उसके बाद टाटा टिगोर, अब अगले साल टाटा टियागो। इससे क्या हुआ है फ्रेंड्स कि टाटा के प्रति लोगों की मानसिकता बदली है और अब लोग टाटा की गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसकी मेन वजह है उसका सेफ्टी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि टाटा टियागो ईवी की जो अगले साल 2023 से इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है और जो टाटा ने इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस जो कि 8,50,000 है वो फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स के लिए अनाउंस की थी। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने के लिए इच्छुक है या इंटरेस्टेड है तो आप इसकी बुकिंग जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स में अगर आप आते हैं तभी आपको ये इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो आप अवेल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसकी कौन सी वेरिएंट लेने वाले हैं। 19.2 किलोवाट की बैटरी, जिसमें हमें मिलती है 250 किलोमीटर्स की रेंज, या फिर 24 किलोवाट की बैटरी जिसकी की क्लेम किलोमीटर्स की रेंज है 315 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे साथ जो नए फ्रेंड्स जुड़े हैं उनको मैं वेलकम बोलना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा जुड़ने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।